Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ऑस्मोसिस पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा, अब एक और टर्म आती है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? इट इज अ लॉस ऑफ वाटर दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ प्लांट सेल। जब भी प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में प्रोटोप्लास्ट होता है। सबसे ज्यादा वाटर किस में होता है? प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल, उसमें सबसे ज्यादा वाटर होता है। जब वहां पे पानी की कमी हो जाएगी, जब पानी वहां से निकल जाएगा, तो ये प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर जाता है। तीन कंडीशंस होती है प्लाज्मोलिसिस में। वन इज आइसोटोनिक कंडीशन, अनदर इज हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक कंडीशन। अगर एक कंटेनर है, उसमें सेल प्लेस्ड है, कंटेनर किसमें है? कंटेनर में सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन और जो सेल है, इन दोनों में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या फिर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है S1 एंड S2 की, S1 एंड S2, S1 और S2 सेम है, तब कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी, मींस कोई भी वाटर मूवमेंट नहीं होगी। इफ हाइपोटोनिक कंडीशन है, मींस एक कंटेनर है, उसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट है और उसमें एक सेल प्लेस किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जो ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ज्यादा डाइल्यूट मींस इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा एज कंपेयर टू सेल। अब सेल में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो बाहर से अंदर जाएगा, सेल में पानी ज्यादा होगा, सेल पानी ले रहा है तो इसकी वजह से सेल स्वेल कर जाएगा, इसमें ज्यादा पानी आ जाएगा या फिर ज्यादा सॉल्वेंट आ जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, स्वेलिंग होगी सेल की, वाटर मूवमेंट होगी फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू सेल। थर्ड कैटेगरी आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। कंटेनर है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है या फिर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसमें सेल प्लेस किया, किससे कम होगी? सेल से कम होगी। जो सेल प्लेस किया उसमें वाटर ज्यादा होगा तो मूवमेंट कहां से कहां होगी? सेल से बाहर कंटेनर की तरफ होगी, इसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, सेल विल श्रिंक। सेल श्रिंक कब करता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, और स्वेल कब करता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। जब स्वेल किया, सेल की स्वेलिंग हुई, इस कंडीशन में क्या होगा? टर्जिड हो जाएगा सेल। सेल स्वेल करता है बट बर्स्ट नहीं करता, वो होता है टर्जिड सेल। प्लाज्मोलिसिस क्या कंडीशन देखी? जब प्रोटोप्लास्ट श्रिंक करता है, जब वाटर होता है प्रोटोप्लास्ट में ज्यादा, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब क्या होता है? स्वेल, स्वेल, सेल स्वेल करता है, उसकी वजह से कौन सी कंडीशन आती है? टर्जिड कंडीशन आती है। जो प्लाज्मोलिसिस है, दिस इज रिवर्सिबल। प्लाज्मोलिसिस होती है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल होता है और टर्जिड सेल होता है। अगर आप किस सॉल्यूशन में डालोगे? अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक करेगा सेल, प्लाज्मोलाइज्ड होगा। लेकिन अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो सेल टर्जिड हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ये जो टर्जिड होता है सेल, इसकी वजह से क्या होता है? सेल ज्यादा पानी है, ये टर्गर प्रेशर अप्लाई करता है, जो सॉल्वेंट एंटर हुआ है सेल के, वो टर्गर प्रेशर अप्लाई करता है सेल के वॉल को। सेल वॉल को क्या करेगा? टर्गर प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट
ड्यू टू द एंट्री ऑफ वॉटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल, इसे बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। इस केस में क्या होता है, जब टर्जिड होता है सेल बट रप्चर नहीं करता, मीन्स बर्स्ट नहीं करता, इतनी एक्सेस में वॉटर नहीं होता कि वो बर्स्ट कर जाए, सिर्फ प्रेशर अप्लाई करता है जिसकी वजह से एनलार्जमेंट होती है सेल की और ग्रोथ होती है सेल की। ये था प्लाज्मोलिसिस, जिसमें वॉटर लॉस होता है कहां से, प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल से। आइसोटोनिक कंडीशन में इक्वल होता है वॉटर लेवल सेल का और बाहर एक्सटर्नल सॉल्यूशन का। हाइपोटोनिक कंडीशन में सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ज्यादा डाइल्यूट होता है, वॉटर ज्यादा होता है। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है सॉल्यूशन बाहर वाला, सेल में ज्यादा पानी होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मोलिसिस और टर्गर या फिर टर्जिड सेल, ये दोनों रिवर्सिबल है डिपेंडिंग अपॉन कि किसमें कौन सा सेल कौन से सॉल्यूशन में रखा है। जब टर्जिड होता है सेल तब वॉल्स को टर्गर प्रेशर लगता है और सेल एनलार्ज होते हैं, एक्सटेंड करते हैं, सिर्फ ग्रोथ होती है, कोई भी बर्स्ट नहीं करता सेल। सो दिस वॉज प्लाज्मोलिसिस।